Hello my friends, welcome to my YouTube channel. This is Forest Ranjan Rao. Today we'll discuss about what is the rule of SQLs. Okay, तो SQL में कौन सा ऐसा rules है जो हमको follow करना पड़ता है and जो भी हम declarative करते हैं, जो भी हम execute करते हैं programming, जो भी syntax execute करेंगे, जो भी database file बनाने के time में, schema बनाने के time पे हमको कौन सा ऐसा rules है जो SQL का अंदर हमको follow करना पड़ता है. Rules क्या है हमको नहीं समझ में आया तो मैं basic example देता हूँ. सबका life में rules होता है. एंड आप सपोज कंपनी में काम करते होंगे तो एडमिन का एक कंपनी का रूल्स होगा, सिक्योरिटी का एक रूल्स पॉलिसी होगा, आईटी में काम कर रहे हो तो आईटी में पॉलिसी होगा, आपको पता होगा डाटा पॉलिसी, जो भी पॉलिसी एप्लीकेशन पॉलिसीज, एचआर का कंपनी का कुछ पॉलिसी है. एंड कंपनी का पॉलिसी होता है जब आप जॉइनिंग के टाइम पे एग्रीमेंट पे साइन करते हो. सबका अपना अपना लाइफ में पॉलिसी है. आपका पॉलिसी होगा कुछ प्रोसेस का, कुछ डिवीजन का भी पॉलिसी हो सकता है. हॉस्टल में लाइफ में रहते हो तो हॉस्टल का भी कुछ पॉलिसी होता है, लेट नाइट नहीं आ सकते हो. कॉलेज का कुछ पॉलिसी हो सकता है, किसी को से अटेंड नहीं कर सकते हो. बहुत डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी होता है सबका लाइफ में. ऐसे एक्सक्यूएल में भी, लैंग्वेज में भी, स्ट्रक्चर को लैंग्वेज में भी बहुत सारा पॉलिसीज होता है. उसी पॉलिसीज को हमको फॉलो करना पड़ता है. उसी पॉलिसी का हम आज डिस्कशन करेंगे. ठीक है, क्या क्या पॉलिसी होता है ऑन डिटेल आई विल एक्सप्लेन यू एंड यू कैन टेक एज अ नोट फॉर फ्रेशर एंड बिगनर स्टूडेंट. इज गुड फॉर यू ओनली. ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग नोट्स ओनली फॉर फ्रेशर एंड बिगनर स्टूडेंट्स. ओके, इट इज डेफिनेटली हेल्प यू लॉट. तो एक एक पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे. एसक्यूएल इज नॉट कैच सेंसिटिव एंड कीवर्ड ऑफ एसक्यूएल आर राइट इन एन अपर केस. तो एसक्यूएल कैच सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है. जावा प्रोग्रामिंग एंड पाइथन प्रोग्रामिंग जैसा लैंग्वेज कैच सेंसिटिव नहीं है. आप छोटे लैंग्वेज में लिख सकते हो, अपर केस लोअर केस में लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. जो कीवर्ड डिफाइन है एसक्यूएल का, सिर्फ हम कैपिटल लेटर में यूज करेंगे, सिर्फ हम स्मॉल लेटर में यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. आप एक्सक्यूएल को यूज कमांड यूज करोगे तो स्मॉल कैपिटल पे भी यूज कर सकते हो, यूज ऐसे भी स्मॉल पे भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, हम जो क्वेरी लिखेंगे उसी के ऊपर हम देखेंगे स्मॉल एंड कैपिटल बोथ चलता है, तो दोनों ही चलता है. हम ऐसा कुछ नहीं है जो कैच सेंसिटिव लैंग्वेज पाइथन दूसरा लैंग्वेज जैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा नहीं है. तो और दूसरा देखेंगे राइट एसक्यूएल आर राइटिंग रिटन इन अपर केस. तो आप लिखोगे तो अपर केस में लिख सकते हो बट इट इज नॉट मैंडेटरी. आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो जैसे मैं बोला हूँ आप. बट बेसिकली लोग, हम जो प्रोग्रामर एज ए डेवलपर, वो लोग हम कैपिटल लेटर में ही बेसिकली एसक्यूएल में लिखते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट एंड सिंटेक्स डिफरेंट डिफरेंट को हम देखना पड़ता है, इसलिए इट इज गुड. SQL फॉर सपोज लिखूंगा स्मॉल लिख सकता हूँ. SQL जो यूज करूंगा कीवर्ड वो कैपिटल लेटर में यूज करूंगा. ठीक है, क्योंकि ऐसे हमको अच्छा होता है. तो ऐसे इसलिए देखना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा हमको नोटिफाई करना पड़ता है. बट इट इज नॉट मैंडेटरी, यू कैन राइट इन लोअर केस एंड अपर केस ऑल्सो, नॉट एन इश्यूज. एंड ओनली यूज लोअर केस लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर. आप एसक्यूएल में जो भी राइट क्वेरी लिखोगे, जो भी हम डाटा फाइल को, डाटाबेस फाइल को सेव करोगे, जो भी स्कीमा बनाओगे, तो आप ओनली लेटर यूज, लोअर केस यूज कर सकते हो, लोअर केस लेटर यूज कर सकते हो, नंबर्स यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो. आप ऐसा नहीं यूज कर सकते हो, स्टार नहीं यूज कर सकते हो, एट द रेट नहीं यूज कर सकते हो, नॉट नहीं यूज कर सकते हो. ठीक है, ऐसे बहुत कुछ जो होता है सिंबॉलिक सिंबल्स, आप जो मेंशन है उसी का यूज कर सकते हो, कॉमा नहीं यूज कर सकते हो. ठीक है, वो बेसिकली यूज नहीं कर सकते हो. फॉरवर्ड स्लैश बैक एंड स्लैश आप लिख दोगे, बैक एंड स्लैश परेश एंड फॉरवर्ड स्लैश परेश ऐसे लिख दोगे तो ऐसा नहीं चलेगा. जो भी रूल्स है एसक्यूएल का आपको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, एंड यूज सिंपल, यूज सिंपल डिस्क्रिप्टिव कॉलम्स नेम एंड टेबल्स नेम आप यूज कर सकते हो, सिंपल लैंग्वेज यूज कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको स्टार परेश डॉट एट द रेट डॉलर रंजन राउत ऐसे नेम, ऐसे स्कीमा आप नहीं बना सकते हो. तो ऐसे स्कीमा एसक्यूएल अलाउ नहीं करेगा. ठीक है, दोस पॉइंटर सेम, यू जस्ट फॉलो, नीड टू फॉलो प्रॉपरली. ओके, दोस पॉइंटर सेम.
a statement of SQL are dependent on text line, we can use a single SQL statement on one or multiple text line. आप एक्सक्यूएल का जो सिंटेक्स है, सपोज बड़ा सिंटेक्स लिख रहे हो, आप मल्टीपल लाइन पे यूज कर सकते हो एज ए सिंगल स्टेटमेंट, आप मल्टीपल लाइन पे यूज कर सकते हो. इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप सिंगल जो सिंटेक्स है, जो भी सिंटेक्स आप लिख रहे हो, जो भी स्टेटमेंट लिख रहे हो, सिर्फ आपको सिंगल लाइन पे लिखना पड़ेगा. ऐसे इज नॉट मैंडेटरी, आप डबल लाइन यूज को कर सकते हो. जो भी ज्वाइनिंग टाइम परफॉर्म करेंगे, बड़े बड़े सिंटेक्स होगा तो हम डबल लाइन कर सकते हैं. इट इज नॉट मैंडेटरी कि हम जो सिंटेक्स है सिर्फ एक ही लाइन पे लिखेंगे. इट इज नॉट मैंडेटरी, आप डबल लाइन उसको कर सकते हो, ट्रिपल लाइन कर सकते हो, मल्टीपल लाइन बना सकते हो. एसक्यूएल का जो सिंटेक्स लिखोगे आप, डेटाबेस क्वेरी जो एग्जीक्यूट करोगे, डबल लाइन भी लिख सकते हो, ट्रिपल लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है, आपका मर्जी. तो आपका हिसाब से आप लिख सकते हो. यूजिंग द एसक्यूएल स्टेटमेंट यू कैन परफॉर्म मोस्ट ऑफ द एक्शन इन द डाटाबेस. मीन्स इसका बहुत ईजी है. तो एक्सक्यूएल का डिफरेंट डिफरेंट सिंटेक्स यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर सकते हो. जैसे अल्टर कमांड यूज करके आप एड कर सकते हो, क्रिएट कमांड यूज करके आप डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो, एंड इंसर्ट कमांड यूज करके आप डाटा इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो. ड्रॉप कमांड यूज करके आप डिलीट कर सकते हो, ट्रंकेट कमांड यूज करके आप भी डिलीट कर सकते हो, बहुत कुछ कमांड हम आगे देखेंगे. उसी कमांड को हम परफॉर्म करके तो मोस्ट ऑफ द एक्शन को आप सक्सेसफुली रन कर सकते हो. दैट इज द मेन. ओके, ऐसा रूल्स ऑफ द एक्सक्यूएल का हम फॉलो करना पड़ता है. एंड इम्पोर्टेंट, व्हाट आर द रूल्स ऑफ एक्सक्यूएल, व्हाट इज द रूल्स ऑफ फॉर एक्सक्यूएल नेम्स. जो नेम सेव करने का टाइम पे, जो भी स्कीमा सेव करने का टाइम पे, आप क्या क्या देखना पड़ता है आपको, कौन सा देखना पड़ता है, नेम को आपको नोटिफाई करना पड़ता है, कौन सा नेम को आपको फॉलो करना पड़ता है एंड ऑफ द डे. तो नेम्स कंटेन ओनली अल्फाबेट नंबर कैरेक्टर मोस्ट द बिगिंग विथ एन अल्फाबेट कैरेक्ट नंबर्स ऑन ऑफ अंडरस्कोर डेटाबेस. नेम्स मोस्ट बिगिंग विथ द अल्फाबेट कैरेक्टर एंड कैनॉट बिगिंग विथ द अंडरस्कोर एन अंडरस्कोर. जो नेम लिखने के टाइम पे आप अल्फाबेट नंबर कैरेक्टर लिख सकते हो, अल्फाबेट कैरेक्टर लिख सकते हो, अंडरस्कोर और अंडरस्कोर दे सकते हो, उसका बाद में और कुछ नहीं अलाउ नहीं करेगा एक्सक्यूएल. अल्फा अल्फा नंबर कैरेक्टर यूज कर सकते हो, अल्फाबेटिक कैरेक्टर यूज कर सकते हो एंड अंडरस्कोर यूज कर सकते हो. सपोज ऐसा लिख सकते हो आप, मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, आप फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज लिखूंगा परेश एट द रेट परेश अंडरस्कोर 123. ऐसे में स्कीमा बना सकता हूँ, ऐसे स्कीमा बना सकता हूँ. मैं ऐसा स्कीमा नहीं बना सकता हूँ एट द रेट डला हैच 23 आर नॉट के पी टी, ऐसे नहीं बना सकता हूँ. इट इज नॉट वैलिडिटी, इट इज नॉट एग्जीक्यूट, इट इज नॉट आउट ऑफ रूल. ओके, out of rules. आप ऐसा लिख सकते हो परेश अंडरस्कोर राउत, ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो 1 2, ऐसे स्कीमा हो सकता है. बट ऐसे इट इज नॉट वैलिडिटी. ओके, ऐसे स्कीमा हो सकता है, इट इज अलाउड, वो अलाउ हो सकता है, इट इज नॉट अलाउड. इट इज नॉट अलाउड. ऐसे बहुत सारा बेस्ट पॉइंट आपको बताया हूँ, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक्सक्यूएल का अंदर रूल्स होता है, उसी रूल्स को हमको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है. थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर ऑफ, विल मीट टू नेक्स्ट सेशंस. थैंक यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब इट माय चैनल एंड शेयर द वीडियोज ऑल वीडियोज विद योर फ्रेंड्स. And if you are any query related to a domain, any domain, please reach out to me, drop me comment. Definitely I'll help you within your career. Okay. Thank you. Bye bye. Take care again.